तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जीरो बैलेंस करंट अकाउंट के बारे में, तो ये वीडियो पूरा देखिए। हाय, मैं अनुज भारद्वाज, ऑथर एंड फाउंडर ऑफ एक्सलेंस, आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और मैंने अपनी जिंदगी के 4 साल जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज में बिताए हैं, ये चीजें मैंने वहीं से सीखी हैं। तो होता क्या है वो पहले आप जान लीजिए। हर बैंक जो है वो क्या करता है, आप जो करेंट अकाउंट खुलाते हैं तो वो देखता है कि महीने में जितने भी दिन है उसमें ईओडी मतलब एंड ऑफ डे में कितना बैलेंस था आपके करेंट अकाउंट में। मान लीजिए 30 दिन का महीना है तो 300 दिन का बैंक ने जोड़ लिया है, बैंक सिस्टम ने कैलकुलेट कर लिया कि एवरेज कितना अमाउंट आपके करेंट अकाउंट में था, इसे कहते हैं मंथली एवरेज बैलेंस। तो बहुत सारे बैंक्स क्या करते हैं कि आपसे कमिटमेंट ले लेते हैं कि ये मंथली एवरेज बैलेंस जो है ये कम से कम 15,000 का, 20,000 या 25,000 या 50,000 ऐसा कुछ रहना चाहिए। इसी को कहते हैं मैप शॉर्ट फॉर्म में, मंथली एवरेज बैलेंस। अब कुछ बैंक्स जो है वो क्या करते हैं कि ये कमिटमेंट आपसे नहीं लेते हैं कि मंथली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन नहीं करना है, इसी को हम कहते हैं जीरो बैलेंस करंट अकाउंट, क्योंकि इसमें आपको बैलेंस जो रखना नहीं होता है। हाँ, हो सकता है करंट अकाउंट खुलाते समय आपको चेक जो है वो देना पड़े और वो पैसा जो है वो आपके करंट अकाउंट में ही आएगा, इसके बाद जो है आप उसमें मेंटेन नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। या फिर हो सकता है कि आपसे चेक लिए बिना भी आपके डॉक्यूमेंट्स लेकर करंट अकाउंट खोल दे बैंक, उसमें कोई कमिटमेंट नहीं होगी, आप ट्रांजेक्शन कीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स जो है वो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि आज से 2 साल बाद या 3 साल बाद जो संस्थाएं आज जीरो बैलेंस दे रही हैं उस समय जो है वो कमिटमेंट करा लेंगे कि अब जो है इतना कमिटमेंट आपको रखना होगा। इवन अभी जीरो बैलेंस भी है और आपने खुला लिया है तो हो सकता है कि 2 साल या 3 साल बाद वो कमिटमेंट ले ले कि अब आप 15,000 मेंटेन करेंगे या इतना अमाउंट जो है वो मेंटेन करेंगे, तो ऐसा हो सकता है। क्योंकि शुरू शुरू जब नहीं चलता है या नया नया कोई बिजनेस शुरू होता है तो उसमें लोग जो है फ्री में भी दे देते हैं, चलिए बैलेंस नहीं भी मेंटेन कर लीजिएगा कोई बात नहीं, हमारे यहाँ खुला लीजिए। और जब चलने लगता तब वही संस्था करती है कि अब जो है इतना कमिटमेंट आपको देना होगा, और अगर ये कमिटमेंट जो है ये पूरी नहीं हुई तो क्या होगा, नॉन मेंटेनेंस चार्जेस जो वो काटे जाएंगे। अब जो है आपने मान लीजिए जीरो बैलेंस करंट अकाउंट खुला भी लिया, लेकिन ऐसी बात नहीं कि उसमें कोई भी चार्ज नहीं है, उसमें भी चार्जेस होंगे, तो आपको शेड्यूल ऑफ चार्ज जो बहुत ध्यान से देख लेना है। जैसे कि SMS चार्जेस वो आपका कटेंगे, क्योंकि आपके अकाउंट में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो मैसेज आपको आते रहना चाहिए कि हाँ कितना का हुआ, इतना का हुआ, इतना का हुआ, तो किसी तरह की कोई गड़बड़ होने वाली होगी या कोई गड़बड़ होगी तो आपको फौरन पता चलेगा, तो आप फौरन जाके बैंक को खबर दे सकते हैं ये गड़बड़ हो गई है, तो ये आपके लिए अच्छा है। इसके बाद चेक इशू कराएंगे तो चार्जेस लगेंगे, उसमें अगर आपने डेबिट कार्ड लिया है तो उसके भी चार्जेस लगेंगे। इसके अलावा जो है एनुअल अकाउंट स्टेटमेंट आप निकलवाएंगे उसमें हो सकता लगे आपको, कंसोलिडेटेड चार्जेस आपको कुछ लगे, तो ये शेड्यूल ऑफ चार्जेस है ये बहुत ध्यान से आपको देख लेना है। इसके अलावा अगर आपको करंट अकाउंट खुलाना है तो करंट अकाउंट पर बहुत सारे वीडियोस मैंने पहले भी बनाए हैं, उसे जाकर आप देख सकते हैं, आपको अच्छी खासी जानकारी मिल जाएगी। और अगर फिर भी कोई सवाल आपका रह जाए तो कमेंट में जाकर आप अपना सवाल पूछ लें, इसका जवाब मैं आपको बहुत जल्द वीडियो बनाकर दे दूंगा। इसके अलावा भारत में जो 90% स्टार्टअप्स हैं और 70% बिजनेसेस हैं वो शुरुआत के 5 सालों में ही फेल हो जाते हैं, इसका नंबर 1 रीजन होता है लॉस इन रेवेन्यू, इतने रेवेन्यू बिजनेस जनरेट नहीं कर पाता कि वो सरवाइव कर पाए। तो हमने एक स्टडी किया जिसमें हमने ढूंढ के निकाला 7 हिडन रीजन जिसकी वजह से इंडिया में बिजनेसेस को रेवेन्यू में लॉस का सामना करना पड़ता है। तो हमें इस स्टडी में 25,000 रुपये खर्च लगे हैं और 2 साल का वक्त हमने दिया है, लेकिन इस स्टडी की जो रिपोर्ट है ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो अगर आप ये फ्री रिपोर्ट लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वहां पर जाकर आप ये फ्री रिपोर्ट ले सकते हैं।